अगर आज मैं माइनक्राफ्ट में मर जाता हूँ तो मुझे मिलेंगे 10,000 रुपए, लेकिन ये कौन है जो मेरे को मरने के लिए 10,000 रुपए दे रहा है। तो ये बात है कल की, जब मैं लकड़हारा बन के पेड़ काट रहा था तभी मेरा दोस्त मेरे पास आता है और वो कुछ बोलता है मेरे को। वो साइन बोर्ड पे लिखता है कि ए तू अपने आप को प्रो मानता है ना। देखो ये तो एक फैक्ट है, मैं अपने आप को प्रो मानता हूँ, लेकिन इसको क्या हुआ, कल इसका बर्थडे था, ये केक काटा, इसको बहुत ही मारा था हमने। लगता है उसी का पगलापन इसको चढ़ गया। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, तो मेरा एक चैलेंज एक्सेप्ट कर, जीतेगा तो तेरे को 10,000 रुपये मिलेंगे। देखो गाइस, ऐसे मैं लालची तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, पैसों के लिए मैं कोई काम नहीं करता, लेकिन इसने मेरे को चैलेंज दिया है। और भाई तुम, तुम्हारे भाई जैसे प्रो जिसने ड्रीम तक को हरा रखा है उसको चैलेंज दे दिया। कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा हूँ, हाँ मतलब मेरे को चैलेंज दे दिया, तो अब तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इसका चैलेंज। और भाई जीते हुए पैसों से तो मैं पार्ले जी की पूरी फैक्ट्री खरीद डालूंगा। So let's begin. तो मेरे दोस्त ने मेरे को पूरा चैलेंज समझा दिया है, ये हमारा एक नया नया वर्ल्ड उसमें मेरे को उसने डाला हुआ है एंड मेरे को इसमें मरना है, और अगर मैं मरा तो वो मेरे को देगा 10,000 रुपए। मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। लेकिन एक शर्त है उसकी कि हर 5 मिनट पे 2,000 रुपए कट, मतलब मेरे को 5 मिनट के अंदर अगर मैं मर गया तो मेरे को 10,000 रुपए, वरना जितने मैं 5 मिनट और लेते रहूँगा तो 2,000 रुपए कट, और 25 मिनट बाद मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे को अंडर 25 मिनट इसको कंप्लीट करना है। एंड भाई तुम्हें पता ही है, तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है एकदम मरने में, तो मैं ये बहुत ही बड़ी सी बायोम में स्पॉन हुआ, स्नो बायोम में, पता नहीं इतनी बड़ी बायोम में मैं आराम से मर पाऊँगा कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे को आई थिंक ये जो ये वाला जो ये ब्लॉक है ये स्नो पाउडर का दिख रहा है, मैं इसमें जाते ही मर सकता हूँ भाई। मैं 10,000 रुपये तो पक्का मेरे ही हैं, ये लो। अब चलो स्नो पाउडर के अंदर डूबो एंड हम जैसे ही जमना चालू हो जाएंगे हमें हमारी हेल्थ जो है वो अपने आप लोगी। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कुछ इफेक्ट लगा रखे हैं मेरे को। अबे एक मिनट, मेरी हेल्थ को नहीं जा रही भाई, भाई मेरी हेल्थ बिल्कुल लो नहीं हो रही। अबे यार लगता है ऐसे नहीं मर पाएंगे, इतना आसान नहीं हो सकता हमको मरना। थोड़ा ऊपर चलता हूँ, कुछ कोई और तरीका ढूंढता हूँ। जे बात ये मिली है ना मेरे को सबसे मस्त चीज, केव, और इसमें जैसे ही मैं आराम से कूदूंगा यहाँ मेरी डेथ पक्की। और ये एक मिनट, मेरे को फॉल डैमेज क्यों नहीं हुआ भाई साहब, मेरे को फॉल डैमेज क्यों नहीं हुआ। अबे भाई साहब इतने ऊपर से कूदा, मेरे को एक रत्ती फॉल डैमेज नहीं हुआ। हाँ मकड़ी तू मार, मार मेरे को मकड़ी, मार मेरे को मकड़ी, मार। अबे ये मकड़ी, मकड़ी एक दाना हेल्थ नहीं गई मेरी, क्यों। और यहाँ पे यस क्रीपर, ये है ना अपना भाई जो एक बार में हमें मार सकता है। यस लेट्स फुट 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 लेट्स गो। इसने भी ये भी नहीं मार पाया मेरे को भाई, ये सब हो क्या रहा है, मतलब मॉब वॉब भी नहीं मार सकते क्या भाई यार। यस जोम्बी जोम्बी, एक दो हेल्थ तो बस थोड़ी सी डाउन करके दिखा दे, मेरे को विश्वास आ जाएगा तू हाँ डाउन कर सकता है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। अबे ये तो मेरे को मार ही नहीं रहा है, सब 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 न ले, इतनी बड़ी बड़ी जंप भी लगा पा रहा हूँ मैं, और एक दाना टच कर रहा हूँ मैं इनको, ये मर जा रहे हैं, मतलब एकदम फालतू है इनसे पंगे लेना। तो भाई यार 5 मिनट बीत भी गई और इस वाले तरीके से मर के देखता हूँ, ये ड्रिपस्टोन शायद मेरे ऊपर गिरे, इससे भी कुछ नहीं हो रहा भाई यार, कोई भी टेक्निक काम ही नहीं कर रही आज मरने के लिए। ड्रिपस्टोन वाली टेक्निक तो काम करनी चाहिए, इसको तोड़ा मैंने डर्ट को और ड्रिपस्टोन मेरे ऊपर घिरा नहीं। ये देखो जॉम्बी मेरे को घेर के, अबे भाई मेरे बारात नहीं चल रही तो तुम सब भाग रहे हो मेरे पीछे, हाँ लड़ो लड़ो। भाई यार 50 क्रीपर फूट चुका है, लेकिन भाई मैं मरने का नाम ही नहीं ले रहा। आई थिंक मेरे पे एक आइडिया है जिसकी वजह से मैं मर सकता हूँ। देखो जो भी मैं ब्लॉक तोड़ रहा हूँ एकदम फटाक से टूट जा रहा है, ये चीज़ तो मैंने नोटिस किया है। देखो जैसे मैंने टच किया कि टूट जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नीचे चल रहा हूँ और बेड रॉक को तोड़ के एकदम, मतलब बेड रॉक के अंदर वॉइड में गिरा तो मैं पक्का ही मर जाऊँगा। अब सीधा बेड रॉक तोड़ देंगे हम ऐसे, इतना स्पीड में टूट गया बेड रॉक। अच्छा बेड रॉक नहीं तोड़ सकते, अच्छा पोपट हो गया हमारा, ये सर वाले कहीं बेड रॉक तोड़ ही नहीं सकते चाहे तुम्हारे पास कितनी भी पावर हो, ये भी मैं भूल गया। तो चलो सैंड से तो मर के कोशिश करते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा गड्ढा किया क्योंकि सफोकेशन से मरना शायद कोई भी इफेक्ट हमें बचा ना सके सफोकेशन से मरने से। नीचे कूद जा भाई, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ सैंड, ये एक गया और ये दूसरा गया, और सफोकेट ही नहीं हो रहा भाई ये। तुम ये तो देखो भाई, ये दुनिया भर के जितने भी इफेक्ट है सब दे रखे हैं इनका मीनों ने, जिसने भी मैप बनाया ना बहुत ज़्यादा मारूंगा उसको मैं।
गाइस 15 मिनट बीत चुके हैं, अभी तक मेरे को कोई भी ऐसा साधन नहीं मिला है जिससे मैं मर सकूं, एंड ये भी से तो मैं मर सकता हूँ। तू पागल है क्या? अच्छा ये तो एक दाना फटका ही खाते ही मर जाएगी भाई। एंड हाँ, मैंने उस आयरन से थोड़ा एक बकेट बना ली थी, कोई एक काम, मेरे को एक आइडिया है इसमें से, मैंने सोचा कि एक बकेट बना लेता हूँ, ये कभी ना कभी काम आएगी यहाँ पे हमारे। बस एक गौ माता, और गौ माता दिख गई, यस। तो मैंने सोचा कि मैं गौ माता का मिल्क जो एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा दूध होता है बॉर्नविटा के साथ, आप भी पीते होगे, मैं पीता हूँ, तो आज हमारे बॉर्नविटा का दूध बहुत ज़्यादा काम आएगा। वहाँ पे देखो नेदर पोर्टल है रूइंड वाला, तो यहाँ पे लावा जरूर होगा। यस, लावा के अंदर आ गए हम, एंड अब हम दूध पियेंगे। तो मेरे को फायर लगी थी और वापस से इफेक्ट आ गए भाई साहब। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे को 3-4 एक साथ बकेट वो भी लगातार पीनी पड़ेगी, वरना ये इम्पॉसिबल है इसको ब्रेक करना, इस वर्ल्ड को। बहुत सारे ट्राई किए मैंने, कभी लावा पूल के अंदर जाके, कभी कहीं पे जाके, 2-3 बार लगातार जल्दी जल्दी ये बकेट लेके भी, लेकिन कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे बीत चुके थे 20 मिनट, मेरे पे बाकी था सिर्फ आखिरी 5 मिनट। अगर इस 5 मिनट में कुछ नहीं कर पाता तो मैं चैलेंज हारने वाला था। तो गाइस अब बहुत ही ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने थोड़ी बहुत चीटिंग की, मैंने यहाँ पे बना लिया एक एंड पोर्टल, एंड इसमें मैं भरूंगा एंडर आई। मेरे को इस चैलेंज को कुछ भी करके जीतना है भाई, मेरी रेप्यूटेशन पे सवाल है भाई। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल एंड क्रिस्टल 4 की ट्राई करता हूँ कि ये तो मेरे को मार ही देगा आखिरकार। प्लीज एंड क्रिस्टल, ये इसने भी कुछ नहीं किया। ड्रैगन आंटी प्लीज, तुम तो कुछ करो, प्लीज कुछ करो भाई, प्लीज एक फटका मारूंगा तुम्हें जल्दी, प्लीज कुछ करो भाई। ड्रैगन आंटी एक फटके से मर गई मेरे भाई, मैं स्पीड रन नहीं कर रहा था भाई एक फटके से मर गई ड्रैगन आंटी। पहली बार ऐसा हुआ है माइनक्राफ्ट में, ऐसे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मेरे को मरना नहीं था, मेरे को मारना था इस ड्रैगन आंटी को, ये खुद ही मर गई। ओके वॉइड तो बचा हमारा, तो वॉइड में कूद के अपनी जान दे देते हैं, और ये हम वॉइड में कूदे और प्रैंक हो गया आपके साथ। ये माइनक्राफ्ट का कोई अपडेट आया क्योंकि वॉइड में भी कोई इंसान नहीं मर सकता, मैं वॉइड में क्यों नहीं मर पा रहा हूँ? मिल्क पीता हूँ, एक दाना हेल्थ नहीं गई भाई साहब, मेरा बुरा हाल हो रखा है भाई। ओ भाई साहब लास्ट 10 सेकंड बचा है, प्लीज मेरे को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक तरीका है, थोड़ी चीटिंग है लेकिन चलेगा, वो भी तरीका। लेट्स गो भाई, मैंने बीट कर दिया इस चैलेंज को, एंड अभी क्या, अभी मैं अपने दोस्त को कॉल करके ये बताता हूँ। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, आपके पास नंबर आया कैसे, ये सागर ने मेरे हम जैसे जैसा फोन लगाया आपने, ये प्रैंक हो गया आपके पास। But I ain't gonna leave forever, I just want to